तो गाजियाबाद आईएएस एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के चैप्टर 2 के बारे में, और ये चैप्टर बेसिकली हम बात करेंगे जिसके अंदर भारत के या भारतीय समाज के जितने भी फीचर्स उनके बारे में बात करेंगे। कई तरह के फीचर्स हैं, हर एक सोसाइटी कई तरह के फीचर्स को पोजेस करती है अपने साथ। शुरुआत करते हैं, बैक टू योर नोट्स। तो पहला सिस्टम है हायरार्की। हायरार्की का मतलब आप क्या समझते हैं? स्टेटस, क्लास, कास्ट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हमने देखा है कि एक सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस। यहाँ बोला गया रिलेटिव स्टेटस, रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव स्टडी की बात करी जा रही है, और अथॉरिटी मतलब जैसे जिसकी पकड़ है सोसाइटी में, समाज में, उसके अकॉर्डिंगली उसको रैंक किया गया है, उसको हम बोलेंगे हायरार्की। भारतीय सोसाइटी में हायरार्की स्ट्रक्चर जो है लगभग हर जगह पर देखने को मिलता है। तो क्या ये हायरार्की स्ट्रक्चर कहीं और किसी और सोसाइटी में देखने को मिलता है? लगभग लगभग वर्ल्ड की सारी सोसाइटी के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रेजेंट या मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एस्टेब्लिश है। फाइन, पीपल हैव क्रिएटेड और रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज। ऑल्दो इंडिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, और जो कि हम इसके अंदर में आर्टिकल 14 के अंदर जो है एक चीज मिलती है, और वो चीज़ क्या बोलती है, वो क्या चीज़ होती है, हमें आर्टिकल 14 के अंदर हमें राइट टू इक्वालिटी मिलता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि सरकार जो है सबको इक्वली ट्रीट करेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और कलर। ये चीज आपको पता होगी। तो राइट टू इक्वालिटी हमारे यहाँ पर है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने की वजह से। आगे चलते हैं। तो विद इन द इंडियन कल्चर, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ इंडिया हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अर्बन हो चाहे गाँव का क्षेत्र हो, वर्चुअली ऑल पीपल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द वेरियस एसेंशियल क्वालिटीज। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो है, हम चाहे बात करें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मतलब डिविजन्स का भी डिविजन है। मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया अपने आप में एक डिविजन है, फाइन, जो कि पॉलिटिकल नहीं है बट सोसाइटल है, ठीक है। हम बोलते हैं कि कहाँ से आए हो, तो हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया से आए हैं, साउथ इंडिया से आए हैं। उसके बाद हम फर्दर बोलते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में इस स्टेट से आए हैं, फिर हम बोलते हैं कि इस स्टेट के इस कम्युनिटी से आए हैं, इस रिलीजन से, इस कास्ट से। तो लगातार वो हायरार्की बनती चली जाती है, फाइन। कास्ट एंड कास्ट ग्रुप्स विद इन द मोस्ट ऑफ द विलेजेस और टाउन्स, एवरीवन नो द रिलेटिव रैंकिंग ऑफ ईच लोकली रिप्रेजेंटेड कास्ट। अब हम समझते हैं कि जब हम, लेट्स से कि हम ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी आसपास के एरिया में ट्रैवल करते हैं, किसी उस जगह पर ट्रैवल करते हैं जो कि शहर से बाहर होती हैं, तो जनरली हमें पता होता है कि ये एक्स कम्युनिटी गाँव है, ये वाई कम्युनिटी गाँव है। कभी देखा आप लोगों ने ऐसा? अगर आप दादरी से थोड़ा आगे चलो, हाँ, तो बोलते हैं कि ये गुजर लोगों का गाँव है, जाटो लोगों का गाँव है, ये फलाना कम्युनिटी है गांव में, ये पर्टिकुलरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कम्युनिटी है गांव में बोला जाता है, या फिर शहर तो नहीं बोला जाता, गांव के बारे में ज्यादा सुना है, ठीक है। कास्ट आर प्राइमरी एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म बट ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग अदर इंडियन रिलीजियस ग्रुप। जो कास्ट जो सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में है, जो वर्ण सिस्टम से निकला हुआ कास्ट सिस्टम है, वो प्राइमरीली हम कहते हैं कि सिर्फ हिंदुइज्म तक ही लिमिटेड है, बट हम अगर देखें ध्यान से देखें तो वो इस्लाम में भी है, वो क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही करता है। इन इस्लाम दे एक्सप्रेस द थिंग डिनाई, मतलब वो डिनाई करते हैं कि हमारे कास्ट सिस्टम नहीं है, बट स्टिल दे टॉक अबाउट कि वी ऑल आर ब्रदर अंडर द सिंगल गॉड, बट पॉइंट इज दिस कि स्टिल दे हैव बीन डिवाइडेड, लाइक जुलाहाज है, कुरेशीज हैं, तो देर आर सम पीपल दे आर फॉलोइंग हैविंग अ सिंपल सिंगल कास्ट विद जॉइंट विद अ कॉमन ऑक्यूपेशन ऑल्सो, फाइन। बट ऑब्जर्वेशन रिवील दैट एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट लाइक ग्रुप एंड क्लियर, मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं मुस्लिम सोसाइटीज को, हमें पता चलता है क्लियरली वहाँ पे भी हायरार्की सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है। तो ये कहना सही होगा कि इंडिया के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हम लोग हमारे पास हायरार्की है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हायरार्की है। अमंग क्रिश्चियंस टू डिफरेंस इन द कास्ट आर एक्नॉलेज्ड एंड मेंटेन, सो थ्रू आउट द इंडिया इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ एंड पावर। अब दो चीजें हैं, एक हमारा है कास्ट सिस्टम, सो एक हमारा है कास्ट सिस्टम, एक है हमारा क्लास सिस्टम। क्या डिफरेंस है? यू आर बॉर्न इन एक्स 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 कास्ट, यू हैव टू डाई इन द सेम कास्ट अंटिल अनलेस यू आर चेंजिंग योर रिलीजन और चेंजिंग योर कास्ट वॉलंटियरली, अंटिल अनलेस, ठीक है। यू आर बॉर्न पुअर बट यू कैन डाई रिच एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दैट मीन्स कास्ट इज इमोबाइल इन नेचर एंड दिस पॉसेस मोबिलिटी, यहाँ पर मोबिलिटी है, मतलब येस यू कैन फॉर्म अ लोअर कास्ट बट यू कैन बी रिच, यू कैन बी पावरफुल एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो
also there. Got my point? So what is happening here? Caste and class. Samajh aaye? So this is what we have. अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे देखिए कि बड़े मैन बड़े आदमी छोटे आदमी एक कॉन्सेप्ट है कि बड़े आदमी जो है बड़े आदमी नॉट इन द टर्म्स ऑफ वो एक फैमिली के अंदर बात अलग होती है कि पेरेंट्स को या बड़े लोगों को जगह दी जाती है दैट वाज ऑर्डर्ड आउट ऑफ रिस्पेक्ट बड़े सोसाइटी के अंदर आप देखो आज से कुछ सालों पहले ऐसी कुछ प्रथाएं थी मुझे याद आ रही मूवी एक मूवी थी धर्मेंद्र की मुझे याद आ रही है उसके अंदर वो दिखाते कि वो छोटी कास्ट का था वो दूसरी कास्ट के सामने बैठता नहीं है मतलब उसका कोई दोस्त हायर कास्ट का तो उसके घर में जाकर बैठता नहीं था ऐसा कुछ दिखाया गया तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो पिक्चर का वो सीन याद आता है तो बड़े लोग जो है ऊपर जगह बैठेंगे जो 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 छोटी कास्ट के लोग हैं वो जमीन पे बैठेंगे तो इस तरह का कुछ मेंटेन था पहले जो कि टाइम के साथ डिजॉल्व होता जा रहा है बट अभी भी मैं देखता हूँ कि कई जगह पर रूरल सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें मेंटेन है कहा जाता है कि तुम इसके आगे कैसे बैठ गए है ना और ये चीज़ें मेरे को लगता है कि रूरल सेटअप में ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पर ठीक है विद इन द फैमिली किनशिप ग्रुपिंग देयर आर मेनी डिस्टिंक्शंस ऑफ हायरार्की मैन आउटरैंक वुमेन सिमिलर एज के मैन और वुमेन जो होंगे तो मैन वुमेन के अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहता है जहां जो मैन जो होंगे वुमेन को लगातार आउटकम करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखा है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है थोड़े ज्यादा है हालांकि वुमेन भी अच्छा जो है उनको चैलेंज दे रही है इस टाइम में बट अभी तक उस इक्वालिटी को आने में मुझे लगता है अभी समय लगेगा क्योंकि अभी भी हम समझते हैं कि अर्बन सेंटर्स में तो इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है पर अभी भी रूरल सेंटर्स के अंदर जो है वेमेन को शायद उतनी एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का जिसकी वजह से वो इक्वालिटी की बात कर सके या फिर माइंडसेट भी उस तरह का डेवलप नहीं है आगे चले सेवरल अदर किनशिप रिलेशंस इन्वॉल्व फॉर्मल रिस्पेक्ट्स फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ इंडिया डॉटर इन लॉ ऑफ अ हाउस होल्ड शोज डिफरेंस टू द डॉटर ऑफ द हाउस मतलब एक बेटी में और बहू में एक डिफरेंस होता है वो रहेगा फाइन अमंग यंग सिबलिंग हाउस होल्ड के अंदर जो सिबलिंग्स होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट होती है भैया बड़े भैया छोटे भैया दीदी ठीक है मामा चाचा ये सब चीज़ें रहती हैं तो ये सब चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें एक तो रिलेशनशिप से भी बाइंडेड है दूसरी चीज़ क्या है ये आपस में कनेक्टेड भी हैं क्लियर मूविंग अहेड तो एक काम करो एक काम कीजिए आप लोग जो है इसको एक बार पढ़िए रिकॉर्ड नाउ विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन क्या है भैया प्योर हूँ इम्प्योर हूँ क्या मतलब है इसका Many status differences in Indian society are expressed in terms of ritual purity and pollution. Notions of purity and pollution are extremely complex and vary greatly among the different castes, religious groups and regions. Broadly speaking, high status is associated with the purity and low status is with pollution. ये बातें क्या कह रही हैं? अपने आप में बहुत sensitive बातें हैं सारी के सारे. ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई high status से आ रहा तो by default वो pure है और जो low status से आ रहा by default वो impure है. अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होगी राइटर की इम्प्योर नहीं करे वो सोसाइटी का इम्प्योर कॉम्पोनेंट है ऐसा क्यों समझा जाता है हाँ वैभव आई थिंक ये कहना चाहते हैं हाई स्टेटस वाले लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्योरिटी वर्ण की प्योरिटी भी आ गई पहले क्या था पहले खाली अफोर्डेबिलिटी पे था अब क्या है आपका कास्ट और वर्ण बेस पे भी आ गया दूसरी इसके अदर कैंड प्योरिटी अब बड़ा 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 बेस्ट एग्जाम्पल इसके अंदर भी होता है एक हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बड़ा बहुत बड़ा टैबू है जब गर्ल्स के जब मेंसेस का टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे हम देखते हैं कि कई लड़कियों को घर से बाहर बिठा दिया जाता है घर की औरतों को घर से बाहर कर दिया जाता है एंड दे कंसीडर टू बी इम्प्योर फॉर दोज 5 days या 4 days एंड व्हाट इज दिस अब नाउ अगर आप जाओगे ईस्टर्न अगर आप इंडिया से ईस्ट मूव करोगे टूवर्ड्स आप ईस्टर्न सोसाइटीज की तरफ जाओगे इंडोनेशिया जाओगे थाईलैंड जाओगे बाली जाओगे वहां पे वहां पे मेंसेस इज सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ फर्टिलिटी इन गर्ल्स और इंडिया में क्या है इसका टोटली ऑपोजिट है इतना बड़ा टैबू बना हुआ है क्यों बना हुआ है एक बड़ी कॉमन एक बड़ी छोटी सी बायोलॉजिकल बात बताओ अगर मेंसेस नहीं हो अगर है किसी को प्रॉब्लम है किसी लड़की को तो वो शी कैन नॉट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग और कमाल की बात है शादी के बाद पहली एक्सपेक्टेशन लड़की से क्या होती है ऑफस्प्रिंग और साथ ही साथ क्या है कि इतना ज्यादा हम लोगों ने पैड बैंक मूवी सबने देखी होगी हम लोग इसमें बात नहीं करते हम लोग इसका मजाक बनाते हैं क्या मजाक बनाना चाहिए तो इन दोज 5 days द गर्ल इज इम्प्योर अदरवाइज शी इज प्योर
एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस माइंड, व्हाट इज दिस मेंटालिटी एंड व्हाट इज दिस माइंडसेट? कम ऑन, डिस्कशन करो ना इस पे, क्या हो गया? ये रहा पॉइंट. अब इसमें क्या है कि गर्ल कैनॉट गो टू द गर्ल कैनॉट गो टू द किचन, गर्ल कैनॉट गो टू द टेम्पल, गर्ल शुड गर्ल शुड स्टे आउट ऑफ द हाउस. बर्तनों में नहीं खा, बर्तनों में नहीं खाएगी पिएगी, उसके लिए अलग से इंतजाम होता. मतलब हर चीज के लिए सही, मतलब एक तरीके से 5 दिन का बॉयकॉट. क्यों भाई, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विद अस? कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिसको जिसके जिसको हमें अगेंस्ट बोलना चाहिए. बिल्कुल बोलना, मैं इसके मैसेज से सीरियसली अगेंस्ट हूं. सिमिलरली इन मुस्लिम्स, वुमेन कैन नॉट टच कुरान ड्यूरिंग दोस डेज, एंड बाय द एंड ऑफ द पीरियड द प्योरिटी ऑफ वुमेन कैन बी रिस्टोर्ड बाय बाय अ कंप्लीट बाथ. कमाल की बात कर रहे हो. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर किसी को चोट लग जाए, किसी लड़की, किसी मेल को भी चोट लग जाए, उसको खून हो जाए, खून निकल जाए, तो उसको भी इम्प्योर समझ लो. बिगेस्ट थिंग फॉर अ मेल ड्यूरिंग दैट एजेस. नाउ यू अंडरस्टूड द थिंग, दिस इज द मोर वैलिड पॉइंट एज कम्पेयर टू योर वन. बिकॉज वी कैनॉट सी, अगर हमने कभी पैंडेमिक कभी विटनेस किया तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे एंशियंट किताबों में उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना है, बीमारी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ है. तो ये जो माइंड सेट बना है जिसको अब जाके हम देख रहे हैं डिजॉल्व होता जा रहा है. डिजॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये डिजॉल्व बिल्कुल होना चाहिए. अगर हम इक्वालिटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, दैट इज अ बायोलॉजिकल ट्रेट. इसमें उस कम्युनिटी का, उस जेंडर का कोई लेना देना नहीं है. दैट इज अ बायोलॉजिकली, मतलब दे हैव बीन डिजाइंड लाइक दैट एंड विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द फॉर इवोल्यूशन ऑल्सो. बट स्टिल वॉट इज गोइंग ऑन, टोटली डिफरेंट. अगर आज भी ये चीज अगर आप यहाँ छोड़ दो, हम तो अभी अर्बन सेंटर में बैठे, आप निकलो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे बढ़ना शुरू, गाँव में देखो क्या हाल हो रहा है. मतलब दोज 5 days आर द, मतलब दोज आर द 5 horror days फॉर अ गर्ल. सोसाइटी रिडिक्यूल कर रही है, मतलब उसको अपने आप पे होने में शर्म आ रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया. तो क्या चीज है, गलत है कि नहीं है? ये बहुत गलत है. ये चीज समझो आप, मेंबर ऑफ द हाईएस्ट पीसली कास्ट ब्राह्मण्स जनरली वेजिटेरियन. अब सोचो इसमें एक कंसेप्ट था, हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, एमएन श्रीनिवास की थ्योरी है, आई थिंक सो, एमएन श्रीनिवास की नहीं होगी. संस्कृताइजेशन किसका है, किसको पता संस्कृताइजेशन? मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा. मेरे ख्याल से एमएन श्रीनिवास की एक थ्योरी है संस्कृताइजेशन करके, जो कि हम एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ते हैं. उसमें क्या बोलते हैं कि एक तो ब्राह्मण है, दूसरा संस्कृताइज ब्राह्मण है. क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? ब्राह्मण क्या करेंगे, ब्राह्मण वेजिटेरियन है, हम भी छोड़ देंगे. दूसरी कम्युनिटी बोलती है भाई ब्राह्मण होने के इतने बेनिफिट मिलते हैं तो हम भी ब्राह्मण बनेंगे. तो कैसे बनेंगे? ब्राह्मण तो बने देंगे नहीं, तो क्या होगा? क्लास स्ट्रगल होगा. क्लास स्ट्रगल में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन क्या करेगी, तुम वेजिटेरियन हो हम भी वेजिटेरियन बन जाते हैं, तुम जनेव डालते हो, जनेव मतलब सेक्रेट थ्रेड डालते हो हम भी डालेंगे, तुम जो है इस टाइम पे नहाते हो ऐसे रहते, मतलब उनको इमिटेट करने की कोशिश करनी. तो पहली जनरेशन में स्ट्रगल, दूसरी जनरेशन में स्ट्रगल, तीसरी जनरेशन में अडाप्टेशन, चौथी पांचवी में जाके एक्यूमुलेशन. तो एक हुआ ब्राह्मण, एक हुआ संस्कृताइज ब्राह्मण, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने सारा मामला उल्टा कर दिया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं. अब ये देखते हैं, अब ये भी है कि कुछ लोग जो है, जैसे कि ब्राह्मण जनरली कहा जाता है कि दे डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड्स, बट इन बंगाल एंड इन बिहार दे ईट ओनली फिश. नहीं, सब नहीं खाने लगे. यस, मोस्ट, मतलब आपके जो नॉन है उनमें से ज्यादातर लोग खाते हैं, आप ऐसा बोलो. अगेन वही वाली बात है, सेंसस और सर्वे वाली बात है. गेटिंग अ पॉइंट? तो यहाँ पे देखो, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियंस? मतलब उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलते हैं. मैं तो बेगल बनने को नहीं कह रहा हूँ कि रोज ही खा रहा हूँ, बस जानवर दिख जाए मुंह में पानी आ जाए, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए ना. ठीक है, तो अब विजुअली फिश ने क्या गड़बड़ किया? You won't believe, मेरे घर पे एक सर्वेंट हुआ करता था, प्रकाश नाम का, और मैंने नया नया एक्वेरियम सेटअप किया था, बहुत पुरानी बात है. उसमें ना सारी फिशेस मर गई, एक फिश बची हुई थी, मैं उसे देख के खुश होता था, चल यार एक तो बची. एक दिन फिश ना वो ऐसे हट थी, उसके अंदर जाकर छुप गई. मैं सुबह से उठ के गया, मैंने देखा फिश नहीं है. एंड मैं बोला यार प्रकाश खा तो नहीं गया. मेरी बॉडी मरी हुई थी, फिश तो ऊपर आ गई थी फिश टैंक में, अल्टीमेटली मिल गई. मुझे अंदर से पता नहीं क्यों था, इंडिविजुअल है कि वो खाना गया. तो अच्छा, फिश का क्या, फिश ने क्या गलती किया? इवन हिंदुज्म में भी कई जगह पे ये चीज देखी गई है कि बलि देना, हाँ,
लाइक महिषी टेम्पल है बिहार में, नहीं तो नेपाल में, नेपाल में तो अब जाके इन्होंने बैन कर दिया। अदरवाइज नेपाल पे अगर देशहरे में चले जाओगे यू विल फाइंड कि मल्टीपल बकरास आर बीइंग किल्ड ऑन द नेम ऑफ बलि, देन आफ्टर उनका उसका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये हम इसको अगर हम इसको लेट से कि वर्शिप से जोड़ रहे हैं, देन इन दैट केस तो ये पायस हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली इसको पायस करने का हमारे पास एक तर्क आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब कई जगह ऐसा भी होता था कि खाली दूसरे टच कर दिया तो वो इम्प्योर हो गया, कास्ट आयर के अंदर ऐसे भी देखा गया कि तुम मुझे टच मत करना नहीं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस तरह की थ्योरी हमने देखी है। सो आइडिया द प्योर इम्प्योर का जो आइडिया है इट इज वेरी डीपली रूटेड इन द एंशियंट हिस्ट्री बैक फ्रॉम द वैदिक एजेस। It was enforced with the help of law books such as Manusmriti and support of the kings and panchayats who considered themselves to be upholder of dharma. However, all the rigid rules were more flexible in the post-colonial period. जहाँ post-colonial period है वहाँ पे क्या हुआ? Religion थोड़ा सा weak हुआ और Christianization थोड़ा सा strong हुआ, मतलब science and technology strong हुई। उसके बाद जब चीजों का answer मिलने शुरू हुए तब जाके समझ में आया कि भैया इस तरह से चीजें नहीं हुई और चीजें dissolve होने शुरू हुई, all of sudden खत्म होने नहीं शुरू हुई। Dissolve होने का मतलब धीरे धीरे gradually वो खत्म होनी शुरू हुई। ओके, नेक्स्ट हमारा कास्ट सिस्टम है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम। क्या समझते हैं कास्ट सिस्टम से आप लोग? स्ट्रेटिफिकेशन, सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, लेयरिंग है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम वाज अ यूनिक फीचर इन इंडियन सोसाइटी। इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। द वर्ड कास्ट डिराइव फ्रॉम द स्पेनिश एंड पोर्टुगीज वर्ड कास्टा, दिस मीन रेस, लीनिएज और ब्रीड। Caste is a social group that includes people of the same economic status, occupation or rank. Almost same occupation, same economic status or rank. In India, this system is a rigid system. ठीक है, that divides people. पहले क्या हुआ? हमारे वर्ण बने, वर्ण के अंदर कास्ट बने, कास्ट के अंदर सब कास्ट बनी। Fine? इस तरह से चला पूरा मामला। अब क्या हुआ? कास्ट जो था वो एक तरीके से ascribed status था, मतलब by birth आपके साथ आ रहा था। Class also. बाय वो आपके साथ जो है आपका सब्सक्राइब स्टेटस था और आपके साथ बाय बर्थ आ रहा था। फाइन, तो हम देखते हैं कि सिस्टम जो है लगभग बहुत पुराना है। कितना साल पुराना है? करीब 3-4 हज़ार साल से ज़्यादा पुराना है। और हम देखते हैं कि इंडिया में करीब जो है जो कास्ट सिस्टम जो एक्चुअली जाति सिस्टम कहा गया था, और जाति जो थी 3,000 जातियाँ होती थी उस टाइम पे। इसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो सेग्रीगेशन होता था लेयरिंग का, वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होता था। द सिस्टम विच डिवाइड हिंदू इंटू रिजिड हायरार्की ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कर्मा एंड धर्मा। कर्मा एंड धर्मा की पॉलिसी थी, इसके ऊपर जो है सारा का सारा मामला चलता था। एंड बेसिकली ये एक थ्योरी ऑफ मोक्ष थी जिसको बार बार प्रिसाइड करके जो है लोगों को जो है अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी जाती थी। बेसिकली इसको कर्मा एंड धर्मा की अभी ठीक कर लो तो अगला जन्म खराब हो जाएगा, सच सच एंड सच। फाइन, यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट में ढूंढ रहा था। देर आर टू एटलीस्ट टू पर्सपेक्टिव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द एंशियंट एंड द मिडिवल इंडिया विच फोकस ऑन द आइडियोलॉजिकल फैक्टर एंड द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो दो स्कूल थे यहाँ पे, एक तो आपकी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पे पॉइंट करता है, दूसरा आपको जो है वो सोशल आपका जो आइडियोलॉजिकल मतलब आपके आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करता है। द फर्स्ट स्कूल फोकसेस ऑन आइडियोलॉजी, देखते क्या 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 फ्यूल है। पहला आइडियोलॉजी फैक्टर क्या था? कॉमन है, स्कॉलर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर है। तो जस्टिफाइड द थ्योरी ऑफ प्राइमरी बाय साइटिंग एंशियंट लॉ बुक्स, मनुस्मृति एंड डिसरिगार्ड द इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस। बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। वही सेकंड थॉट क्या कहता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या कहता है? क्लेम्स दैट द दो फैक्टर डिराइव फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। ये बिलीव करते हैं कि रूटेड इन द इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड मटेरियल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज डेवलप हुई है, जो कि कॉलोनियल मतलब कि ब्रिटिश वाले जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे वो बोलते हैं। दूसरे बोलते हैं कि नहीं, इसके अंदर जो है हम जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं कास्ट सिस्टम डेवलप होने के लिए। इट बिलीव कास्ट टू बी रूटेड इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस स्कूल डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम एज एन एवर इवॉल्विंग सोशल रियलिटी दैट कैन ओनली बी प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस
एंड एग्जामिनेशन वेरीफाइबल सर्कमस्टेंसेस इन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मटेरियल हिस्ट्री। तो क्या ये पॉइंट वैलिडेट कर सकते हैं हम आज की डेट में, जहाँ पे हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये एक एवर इवॉल्विंग सोशल रियलिटी है जो कि लगातार चल रही है, और जो सिर्फ तभी हम इसको वेरीफाई करते हैं हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हो जो कि एक्चुअल प्रैक्टिसेस को डिनोट करते हो। इज इट पॉसिबल इन टुडे, क्या हम जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं या हमारे जो बुक्स मिलती हैं उसके थ्रू क्या हम इसको बस इंटरप्रेट कर सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 12th से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में जो भी हमारी सोसाइटी उस पर फोकस किया उससे हमने इन्फ्लुएंसेस निकाले, बट 600 साल की हिस्ट्री पढ़ के हम 4500 साल की हिस्ट्री को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर 10 साल में इतनी सब चीजें चेंज हो जाती हैं, तो 100 साल 2 साल में क्या क्या चीजें और चेंज हो सकती हैं, हर एक चीज का इम्पैक्ट पड़ता है और सोसाइटी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर दिया। वही चीज चल रही है, कास्ट सिस्टम जो है बेसिकली 4 चीज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, बार बार चीज आपके पास रिपीट होगी। मैनी बिलीव दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मा हिंदू गॉड, मतलब इसमें एक थ्योरी है कि ब्रह्मा क्या बोलते हैं मैनी बिलीव दैट ब्रह्मा से निकले, हिंदू गॉड से निकले हुए ब्राह्मण्स वो है जो टीचर्स हैं, क्षत्रिय वो है, बहुत कॉमन सी वो है थ्योरी, आप सभी को कभी ना कभी पढ़ने को जरूर मिली होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्राह्मण्स कौन है जो कि प्रीस्ट हैं टीचर्स हैं, उसके बाद क्षत्रिय कौन है जो वॉरियर्स हैं, वैश्य कौन है जो कि ट्रेडर्स बिजनेस है बिजनेस क्लास है, एंड जो शूद्र कौन है जो कि सर्वर ऑफ द अपर थ्री है, सर्वर ऑफ द अपर थ्री स्टेटस है, उसके बाद जो है बॉटम में शूद्रास है। एंड मिनल जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत नीचा काम कर रहे हैं। द मेन कास्ट सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 3000 कास्ट एंड 25000 सब कास्ट, तो अगर आप इसको मैप करने चलोगे आज के डेट में तो इज इट पॉसिबल टू मैप इट, 3000 सब मेजर कास्ट एंड 3000 सब कास्ट ईच बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन आउटसाइड द हिंदू कास्ट सिस्टम वेयर दलित एंड अनटचेबल्स आर ऑल्सो देयर, इनको अछूत कहा गया। ठीक है, अब ये चीज कैसे डेवलप होती थी, किसी को आउटकास्ट कर दिया, किसी को सर्टेन बीमारी हो गई, उसको बोला कि भैया आप उस कैटेगरी में चले जाओ, आप जो है दलित, आप जो है दलित का तो वर्ड बहुत बाद में, अनटचेबल छूत बन गए, या वो लोग जो सोसाइटी में क्राइम किया करते उनको ऐसा सजा दी जाती, उनको सोसाइटी से बहिष्कार कर दिया जाता था, क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे दिल्ली मुंबई नहीं होती थी, दिल्ली के अंदर भी कोई गाँव होता था, यूपी के अंदर कोई गाँव होता वही समाज होता था, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया की देखनी होती थी किसी को, उसके लिए उसके बहुत रिसोर्सेस लगते थे, दूसरे अपना काम छोड़ना पड़ता था, जो कि एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़िए आप लोग, इंडियन सोसाइटी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर हैं, जहां पे हम लोग मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सो बिफोर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है मैरिज के बारे में, टर्म मैरिज शादी, ओके सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, तो कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, ओके एनीबडी एल्स, सेम ही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरिज इज अ वेरी 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 कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज एग्जिस्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जहाँ भी जाओगे आपको मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा। क्यों मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया होगा मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन क्यों डेवलप किया गया, क्यों बनाया गया होगा, एंड बिफोर मैरिज क्या सिस्टम प्रिवेल कर रहा होगा, सर कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर करने के लिए कि पहले होता था कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, पहली बार सक्सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी एक फैमिली की लीनेज को कंटिन्यू, हाँ सक्सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा सक्सेशन ऑफ राइट्स एंड इनहेरिटेंस को भी अपहोल्ड करने के लिए, प्लस सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम डेवलप करने के लिए जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो है आपस में जो है टसल्स ना हो, टसल्स ना हो, ठीक है, सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसको डेवलप किया गया था। एंड मैरिज एग्जिबिट चेंज चेंजिंग इन द टाइम्स, लगातार जो है टाइम जो है ये जो इंस्टीट्यूशन है लगातार इवॉल्व हो रहा है, तो इवॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। ठीक है, हम बायोलॉजी में भी इवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग होमो सेपियन पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कितने सारे जेनेटिक्स कितने तरह के सिस्टम स्ट्रक्चर्स को हम पीछे छोड़ के हम आगे आए हैं, एंड स्टिल वी आर इवॉल्विंग, फाइन,
मैरिज एज इंस्टीट्यूशन इंडिया हैज सम यूनिक फीचर्स, ठीक है। इंडिया के अंदर मैरिज के अंदर बेसिकली तीन बेसिक चीजें होती हैं, पहली चीज है धर्म, दूसरा होता है रति एंड तीसरा होता है प्रजा। तो धर्म का मतलब होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज। आपने बहुत कॉमन सी बात देखी, जब भी आपको मैरिज देखते होंगे तो उसके अंदर एक प्रोमिनेंट रोल होता है वेदी का, जहाँ पे जो है ग्रूम एंड द ब्राइड सिट्स एंड दे चैंट, दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह की जो है एक वर्शिप करी जाती है। देन आफ्टर दे टेक, ठीक है। हिंदुज्म में बेसिकली किसी भी हिंदुज्म में किसी भी सब कास्ट में किसी भी जगह में आप हिंदुज्म में देखोगे इस तरह का सिस्टम आपको प्रिवेलिंग मिलेगा। तो पहली चीज क्या है कि धर्म, कि आपको धर्म की ड्यूटी पूरी करनी है, मतलब अपने गॉड को या अपने रिलीजियस ड्यूटीज को पूरा करना है। दूसरा होता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल डिजायर्स इज अ ट्रूथ इन द, मतलब किसी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल जो वो होता है डिजायर्स होती है, दैट इज अ कॉमन थिंग, फाइन। तो इसको भी एक तरीके से सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए वाया चैनल जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उस चीज को पूरा करने के लिए हमने बनाया कि रति, रति रति मतलब बेसिकली सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, ये दूसरा हुआ ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए। एंड तीसरा क्या हुआ, नेचुरल सी बात है, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होंगे तो रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस, ऑफस्प्रिंग विल कम अप, तो दैट इज द थर्ड थिंग प्रजा। एंड अगर आप जिस हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं एंशियंट एजेस की, उस टाइम में प्रजा वॉज अ वेरी एक्सपेक्टिंग, मतलब हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो जितनी बड़ी प्रजा होगी उतना बड़ा हमारा कबीला या उतना बड़ा हमारा ट्राइब होगा। प्रजा एक प्रजा मतलब मोर नंबर ऑफ हैंड्स, ठीक है, नेचुरल सी बात है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं सिस्टम के अंदर। आगे चलते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वी हैव पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री एंड मोनोगैमी। सो व्हाट इज पॉलीजेनी, भी आपकी सरोरल पॉलीजेनी एंड नॉन सरोरल, आएगा पॉलीएंड्री बोलोगे फेटर्निटी, फेटर्नल एंड नॉन फेटर्नल एंड सीरियल एंड स्ट्रेट मोनोगैमी। ये क्षेत्र है कि हम सब कैटेगराइजेशन में मैरिज देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या चीज होती है। पहले हम पॉलीजेनी का मतलब क्या होता है, वन मेल एंड मोर फीमेल्स। तो एनी एग्जांपल, कपिल शर्मा मूवी आई थी। ओके ओके, बट इन टुडेज वर्ल्ड एंड टुडेज हम कानून की बात करें तो दैट इज इलीगल, फाइन। सो इस्लाम में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ थ्री मैरिजेस इन वन टाइम, दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये भी दो तरह की होती है, सरोरल होती है। सरोरल के अंदर क्या होता है कि दो सिस्टर्स की शादी एक मेल से हो जाए, और नॉन सरोरल में क्या होगा कि वाइफ जो होंगी वो सिस्टर्स नहीं होंगी, ठीक है, अनरिलेटेड होंगी पॉसिबली। ये इसलिए भी था कि हम कह सकते हैं कि जब हम पुराने टाइम में जाते हैं तो एक कंसेप्ट होता है वुमेन सेफ्टी का, भी कंसेप्ट होता था, उसको भी अपहोल्ड करने के लिए इस तरह की मैरिजेस परफॉर्म करी जाती थी। आपको पता है द कंसेप्ट ऑफ द्वैवरा देवर, व्हाट इज द्वैवर, द्विवरा, अच्छा वो तो देवर, देवर हम बोलते हैं, एंड मौसी, मौसी क्या, माँ जैसी, मासी। तो क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, अगर इफ अ कपल इज देयर, ठीक है, इनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं, लेट्स से कि मेल काउंटर पार्ट गॉन, तो इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके छोटे भाई पे चली जाएगी, छोटे भाई पे चली जाएगी, द्विवरा सेकंड वर, एंड मासी माँ जैसी, माँ जैसी, ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने चीज को क्लियर किया। देन है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री इज अ कांसेप्ट वेयर वन वुमन एंड मल्टीपल हस्बैंड्स। तो ये कहीं देखा आप लोगों ने, वो एग्जांपल द्रौपदी कैन बी, बट द्रौपदी की एग्जैक्ट मैरिज नहीं हुई थी, इट वॉज मतलब एक इंस्टेंस की बात थी, ठीक है, बताओ। इन सम ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ विजिटिंग हस्बैंड्स, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ विजिटिंग हस्बैंड। इनफैक्ट रादर कुछ सालों पहले रिपोर्ट आई थी कि राजस्थान एंड हरियाणा में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि सेक्स रेशियो कम होने की वजह से लड़कियों को बाहर से, मतलब केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके आते थे, और दे शेयर द वाइफ बिटवीन टू ब्रदर्स एंड सो। इस तरह केसेस सुने आप लोगों ने, ये 2012-13 की बात है, ठीक है, ठीक है। देन फेटरनल पॉलीएंड्री वेयर द सेवरल ब्रदर्स शेयर अ कॉमन वाइफ, ठीक है, जिसके बारे में बात करें। नॉन फेटरनल मतलब कि मैरिज, यहाँ पे आपका विजिटिंग हस्बैंड का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, हाँ, अनरिलेटेड हस्बैंड या विजिटिंग हस्बैंड का कंसेप्ट आएगा।
एक टैबू करके सीरीज आती थी डिस्कवरी पे, उस पर ये एक एपिसोड था, वो देखना जरूर। सोसाइटी समझ नहीं ना ग्लोबल, तो टैबू करके एक सीरीज आता था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ग्लोबली दिखाई गई जो हम टैबू कंसिडर करते हैं, बट उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। पूरी सीरीज ही बहुत अच्छी है, उसमें पर्टिकुलर ये वाला एपिसोड तो बहुत ही अच्छा था। देन ए मोनोगैमी दिस फॉर्मेट मैड मैरिज ओनली वन वुमन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, सीरियल मोनोगैमी क्या है? इन द सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन ऑफन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस। सीरियल मोनोगैमी का मतलब क्या है? नॉन फेटरनल क्यों नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है इसके अंदर बताओ? यहाँ पे फेटरनल पॉलीएंड्री में भाई जो होंगे वो कॉमन वाइफ शेयर कर रहे होंगे, और नॉन फेटरनल में जो हस्बैंड्स होंगे वो अलग अलग होंगे, एक दूसरे को अननोन, एक दूसरे से अननोन होंगे। तो यहाँ पे विस्टिंग हस्बैंड का, विस्टिंग हस्बैंड का कंसेप्ट हम यहाँ पे। अब मैरिज में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, ऑफस्प्रिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, एलियन रॉस की डेफिनेशन पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको एक बड़ा एलिमेंट जो मिलेगा डेफिनेशन के अंदर, वो मिलेगा एलियन रॉस के अंदर, ऑफरिंग का मिलेगा। फाइन, देन स्ट्रेट मोनोगैमी, रीमैरिज इज नॉट अलाउड, मतलब स्पाउस है चाहे नहीं है आपको रीमैरिज नहीं करनी है। ये कुछ करेंगे वो टाइप हो गया ना, प्यार एक बार होता है शादी एक बार भी होती है वो वाला समथिंग, तो वो इसीलिए वो स्ट्रेट मोनोगैमी है। एंड दिस इज कॉल्ड सीरियल सीरियल मोनोगैमी, जिसके अंदर की अगर एक कपल है उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, देन ही और शी इज अलाउड टू गो फॉर सेकेंड मैरिज। बट क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो हम कहते हैं कि विडो री मैरिज है, इज इट अ टैबू और इज इट अ कॉमन थिंग? आर वी एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन टूडेज वर्ल्ड? सॉर्ट ऑफ अगेन इट इज इन एवोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि ये विडो री मैरिज का कंसेप्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंसेप्ट भी जो है विडो री मैरिज भी एक ऐसा निश्चय है जहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, पीपल आर एक्सेप्टिंग विडो री मैरिजेस। फाइन, देन मूविंग अहेड, रूल ऑफ मैरिजेस, कोई नो सोसाइटी गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम टू इट्स मेंबर टू सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर्स। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी आर बेसिकली टू बेसिक कंडीशंस ऑफ अ मैरिटल चॉइस। मतलब कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर्स को नहीं बोलती कि जा अपनी जिंदगी जी ले, करेक्ट है? तो इसके बेस पे जो है दो तरह के रूल्स हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी क्या बोलती है? इट्स अ रूल ऑफ मैरिज विच द लाइफ पार्टनर आर टू बी सिलेक्टेड विद इन द ग्रुप। एंडो विद इन द ग्रुप, ठीक है, एक्सो मतलब आउटसाइड द ग्रुप, मे बी विद इन द कास्ट क्लास ट्राइब रेस विलेज रिलीजियस ग्रुप्स। सो इन कास्ट एंडोगैमी मैरिज हैज टू टेक प्लेस इन द कास्ट ओनली, एग्जाम्पल ब्राह्मण हैज टू मैरी अ ब्राह्मण, एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। एंडोगैमी का मतलब क्या है कि आपको विद इन द कास्ट विद इन द ग्रुप आपको शादी करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया एंडोगैमी। एक्सोगैमी का हो गया आपको आउट ऑफ द कास्ट का नहीं करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हैज टू मैरी आउटसाइड द, इट प्रोहिबिट द मैरिज विद इन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कह सकते, ये एक न्यू मतलब ये मॉडर्न एवोल्यूशनरी वर्ल्ड का एक कंसेप्ट है। एक्सोगैमी में आप लोगों ने खाप पंचायत के बारे में सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट खाप पंचायत? सारे मेरठ से आते हो, तुमने कैसे नहीं सुना? खाप पंचायत में क्या होता है, बेसिकली जाट कम्युनिटी में क्या होता है कि यू कैन नॉट मैरी द सेम सरनेम, हाँ गोत्र वाला, इंटर गोत्रा मैरिज इज नॉट अलाउड। ठीक है, दे आर कंसीडर्ड टू बी अ इंटर गोत्रा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अगर आप इस तरह से करते हो तो खाप पंचायत कम विल डंडा टू पनिश यू। दिस इज वॉट हैपेंड, पीछे हमने कई सारे हम लोगों ने ऑनर किलिंग देखी थी सेम कंसेप्ट पे, 2006-07 के आसपास ये मामला बहुत उछला था, आज भी ये चीज़ देखती है। अगर आप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत देखनी पड़ती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैरी विद इन अ जाट बट एक्सक्लूडिंग दिस, उसमें होता है कि मदर के नेम का नहीं होना चाहिए, फादर नेम का नहीं होना चाहिए, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली दिस सिस्टम विल डिक्रीज, नहीं दिस सिस्टम विल एक टाइम कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि सारे रिलेशन जो होंगे इसी तरीके से इसी आइडियल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, उस केस में क्या करेंगे, वो जब होगा तब देखी जाएगी, है ना, तब सोसाइटी अपने आप को टाइम के साथ अपने आप इवॉल्व करेगी और अडॉप्ट करेगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फॉर्म ऑफ गोत्र एक्सोगैमी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फिर परावार एक्सोगैमी, मैरिज बिटवीन द पर्सन बिलोंगिंग टू सेम परावार, इट ऑल्सो फॉरबिडन अमंग द हिंदू स्पेशली द ब्राह्मण, मतलब सेम परिवार के अंदर शादी नॉट अलाउड, मतलब अगेन इट विल बी अ केस ऑफ इंसेस्ट टैबू ओनली। फाइन, नेक्स्ट
विलेज एक्सोगेमी अमंग द मेनी इंडियन ट्राइब देर आर द प्रैक्टिस ऑफ मैरी आउटसाइड द विलेज. ठीक है, विलेज के अंदर जो है सेम गांव के अंदर सेम गांव की लड़की की शादी नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं गांव या पिंड को अगला पिंड होगा. पिंड एक्सोगेमी, पिंड मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, थोड़ा सा बड़ा एरिया हो जाएगा. पिंड से बाहरी लड़की की शादी करी जाएगी. ठीक है, हाँ, ये ब्रदर सिस्टर नहीं, मतलब कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से सोसाइटली बाउंडेड रूल है, कोई बायोलॉजिकल रूल नहीं है इसके अंदर. ठीक है, बट सोसाइटली बाउंडेड है कि नहीं, वी कंसिडर एज अ परिवार, अब्रॉड परिवार. और गांव के अगर आप सिस्टम में जाते हो, अगर आप जाते हो लेट्स से कि इस सिस्टम में आप जाते हो डाउनटाउन जाते हो, मतलब शहर से बाहर निकलते हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि गांव में लगभग पूरी पूरे पहली बात तो भाई अगर एक गांव है तो इसके अंदर ग्रुप्स बटे होंगे. और ये सारे ग्रुप्स जो होंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, तो जो हम बोलते हैं ना प्राइवेट स्पेस जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक बड़ा फीचर है या फिर डिमेरिट है हमारे अर्बनाइजेशन का, वो चीज़ें मिसिंग होती हैं. प्राइवेट स्पेस या पर्सनल स्पेस इज न्यूक्लियराइजेशन. तो अर्बन यहाँ पे मैं गांव में बोल रहा हूँ, गांव के अंदर जो पर्सनल स्पेस होता है दैट इज यू नो दैट इज वेरी वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर, वेरी रेयर थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर मैं बोलूँ कि गांव के अंदर बड़ी कॉमन से कॉमन सी बात होती है कि यू डोंट नीड एनी सीसीटीवी टू बी फिक्स्ड. सोशल रिलेशन होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि ब्लड से हो, बट हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशन में होते हैं. जैसे कि हरियाणा में किसी को भी सीनियर को बोल के हम ताऊ बोलते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से हम अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, तो ये चीज क्या चीज है, ये चीज कहाँ से आ रही है? सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशंस है, बट जरूरी नहीं है कि सैंग्विन हो या जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशंस के अंदर हो. गया फाइन, विलेज एक्सोगेमी हो गया. देन मूविंग अहेड, आइसोगेमी, मैरिज बिटवीन टू इक्वल, ये स्टेटस के अंदर शादी, अब एक बराबर होते ना, एक बराबर रिच क्लास नहीं, मतलब पॉसिबली और जैसे प्रिसाइज करो तो पासबुक मिला के शादी करने वाली कुछ. ठीक, हाँ, दो पॉलिटिकल क्लास, दो आईएएस अधिकारी, दो फिल्म स्टार्स, विकेट, अभी रिसेंटली वी हैव विटनेस विकेट. ठीक है, क्लास एनिसोगैमी. ठीक है, सिमेट्रिक मैरिज, अलायंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स. सिमेट्रिक मैरिज मतलब कि मतलब मोर ऑर लेस एक ही स्टेटस के अंदर या एक ही डोमेन के अंदर शादी करने वाली बात हो. हाइपरगैमी का मतलब वुमेन विद अ मैन हायर बढ़ना. देन हाइपोगैमी का मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, लो कास्ट में शादी करना. तो ये सारे जो है मैरिज के फॉर्म में जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने हमें समझाए हैं. अब इसका भी इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है. ठीक है, यहाँ तक हमें अपने को देखना है. नाउ मूविंग टू द न्यू थिंग, चेंज इन हिंदू मैरिज सिस्टम. आप लोग क्या देख रहे हो हिंदू मैरिज सिस्टम में, कोई बदलाव देख रहे हो हिंदू मैरिज सिस्टम में, कोई बदलाव देख रहे हो? सर, ओपन माइंडेडनेस बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जांपल लेस रिचुअल्स, फंक्शन तो नहीं है बल्कि फालतू, दो चार फालतू ही हो गए हैं. एक होता है प्री वेडिंग, होता है पोस्ट वेडिंग, एक होता है ड्यूरी वेडिंग फोटोशॉप, तो ये भी तो क्या है, ये बढ़ गया. बैचलर पार्टीज, हाँ, बड़ी कॉमन सी बात है. बैचलर एंड बैचलराइट पर दोनों साइड से दोनों होती हैं. और क्या चीज़ बढ़ गई है, नागम डांस तो कॉमन है ही हमारे. फैमिली डांस में परफॉर्मेंस होता है आजकल, है ना, पूरी फैमिली जो है, मतलब यहाँ लड़के वाले फिर वो यूट्यूब पे चैनल बनता है. आज तो मैंने ये देखा कि कोविड टाइम में यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रही थी शादियाँ. मैं बहुत बढ़िया, जूम पे शादियाँ हुई हैं. स्विगी कर देंगे, आपका वीडियो देख लेना. और क्या चेंजेस हुए, ये तो खैर हम सेरेमोनियल तरीके से बात करेंगे. चेंजेस हुए हैं रिचुअल्स में, क्या चेंजेस हुए हैं? जब इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ेंगी तो दो कास्ट आपस में अपने रिचुअल्स को एक्सचेंज करेगी. तो अगर दो कास्ट लेट्स से कि किसी शादी में एक्स रिचुअल हो रहा है, किसी की नहीं किया शादी में, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग हम अगर यहाँ पे अगर लेट्स से कि 20 लोग बैठे जो पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो 20 घर में शादी में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा. अंटिल वो एक जगह से ना आ रहे हो तो अग्री करते हो कि हमारे में ये होता है, हमारे में ये होता है. दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अ टसल बिटवीन द फैमिलीज बिफोर मैरिज. होता है कहीं में जूते चुराए जाते हैं, बोलते हम दूसरे लेके आए, कहीं में ऐसा भी होता है. होता है हाइब्रिडाइजेशन. यस सर, ये इसको बहुत अच्छा टर्म दिया इसने, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह की शादी अगर यहाँ पर हो रही है जहाँ पर दो कल्चर, क्योंकि शादियों का मतलब दो फैमिलीज का मिलना, दो कल्चर का मिलना. तो सपोज करो कि एक पंजाबी लड़की की शादी एक बंगाली लड़की से हो रही है, इन दैट केस दोनों के शादी का सिस्टम जो है डिफरेंट है. अब दोनों क्या बोलेंगे, आपस में मनवाली करके, मतलब आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, दे विल कम ऑन अ स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से फॉलो करके शादी करेंगे. होता है, तो जब दोनों फ्यूज होंगे तो कुछ 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 रिचुअल्स ड्रॉप होंगे, कुछ रिचुअल एक्सेप्ट किए जाएंगे.
तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन आगे चल के डाइवर्सिफाई होगा टाइम के साथ, डाइवर्सिफिकेशन में ऐड करेगा, ऐड करेगा, क्योंकि मोनो, क्योंकि एक तरह की शादी तो हो रही है। हाँ, अगर किसी बंगाली की बंगाली शादी हो रही है, पंजाबी की पंजाबी शादी, दैट विल बी कॉमन, मोर ऑर लेस 99% थिंग्स विल बी कॉमन। हो सकता है किसी एक एंसेस्टर की पूजा ज्यादा हो, किसी एक एंसेस्टर पूजा कम हो, बस यही होगा। अदरवाइज अगर दो अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए लोगों की शादी होगी तो वो क्या करेगा, वो डाइवर्सिफिकेशन को फर्दर पुश देगा। क्लियर है? ठीक है, तो पहली बार कंजर्वेटिव माइंड सेट टू लिबरल माइंड सेट, इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव माइंड सेट शादियों में कैसे अप्लाई होता था? कास्ट सिस्टम, ठीक है, पहले जो लड़का लड़की नहीं, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते शादी, ठीक है, उनको बताया जाता था, बस उनको बताया जाता था कि तुम्हारी शादी है और इससे है, पॉसिबली उससे और पीछे जाए तो शायद लड़के लड़की एक दूसरे की फोटो भी नहीं देखते थे, या मतलब बैठे भी समोसे भी एक्सचेंज नहीं होते थे। उसके पहले बोला, उसके पहले कुछ शादी ऐसी भी हुई कि मेरे दादाजी ने कहा था, दादाजी की बचपन में शादी, बचपन में शादी फिक्स हो गई। हाँ, बच्चा पैदा नहीं, उसकी शादी मतलब फिक्स कर दी कि ये मेरे घर की बहू बनेगी, ये मेरे घर का दामाद बनेगा, एंड सो एंड सो। सोचो कितना प्रेशर है, क्या कह के मुझे बसाओ, सिंगल नहीं मरेगा। हाँ, सिंगल नहीं मरेगा, ठीक है। अब सोचो कि बच्चा मतलब बच्चा पैदा हुआ, पहले दिन से आपके फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा रहा है एंगेज्ड फॉर नेक्स्ट 21 इयर्स, इंस्टाग्राम पर आ रहा है कि मतलब कोई अलग जेंडर उसे अप्रोच कर रहा है, कर रही है, और वो लगा नो आई एम बुक्ड, उसने अपनी रिंग दिखा दी, ठीक है। तो सोचो ये इस तरह की शादी भी होती थी। अच्छा, तो ये भी शादी के फंक्शन है। अच्छा, शादियों में जो है कंजर्वेटिवनेस खाली रिचुअल्स को लेकर नहीं है, खाली एज को लेके नहीं, एक कंजर्वेटिवनेस कहीं ना कहीं हमने देखा कि मनी स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर को लेके भी थी। जहाँ शादियाँ जो हैं, कई जगह पर शादियाँ मजबूरी बन जाती है लड़की के पेरेंट्स के लिए, कई जगह पर वो चीज़ उनकी सुसाइड स्टेटमेंट बन जाती है। दोनों चीज़ें हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, ठीक है। शादी है, लड़की की शादी, कोई कोई पेरेंट्स होंगे जो बचपन से बचाना शुरू करेंगे, गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे बेटी की शादी में देना, और कोई होंगे कि भाई हम वेल ऑफ है, हम आराम से मैनेज कर लेंगे, एक फाइनेंशियल भी है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लिबरल माइंड सेट आ गया। लिबरल माइंड सेट कैसे आ गया, आप सोचो कि अब इसमें भी सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आपका एम्प्लॉयमेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? आप सोचो कि अब हरिया है, उसका उसका काम है खाली खेत पर जाके काम करना, तो उसे तो बसंती मिलेगी, क्योंकि अब गांव के अंदर तो भाई लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पर इसी हरिया ने जो है बीटेक कर ली देहरादून के किसी कॉलेज से, उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा बाहर निकला, बाहर निकला, वो गुड़गांव जाके नौकरी कर रहा है, वो बेंगलोर जाके नौकरी कर रहा है, वहाँ पे जो है कंपनीज के अंदर जो है मेल फीमेल इक्वल रेशियो में काम कर रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या हुआ, अल्टीमेटली समबडी एंड वन डे दे विल कम अप विद यस वी आर रेडी टू गेट मैरिड। तो जब उस टाइम वो जब सिचुएशन आएगी तब एम्प्लॉयमेंट का रोल आप देख रहे हो, क्योंकि लड़की भी अपने घर से बाहर निकल के, ऐसा तो है नहीं कि जितने गुड़गांव के लोग हैं खाली वही IT इंजीनियर मेरे गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, मोस्टली आर माइग्रेंट्स इन एनी इंडस्ट्री। रादर अगर आप ISIS की भी शादी देखो, जो आजकल यूट्यूब पर दिखता है ना कि ISIS की शादी होगी, तो वो दोनों भी एक अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या है, कौन सी गोविंदा की मूवी है स्वर्ग, हाँ मैंने देखी है, उसमें जब तक वो उस नौकरी रहता है, बाद में वो एक्टर बन जाता है, एक्टर बन जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। हाँ ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक रोल प्ले कर रहे हैं मैरिज सिस्टम को इवॉल्व करने के अंदर, कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता रहा था। इवन न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली के लिए भी एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक गांव के अंदर हो तो आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है बहुत बहुत लिमिटेड है, आपके पास खेती पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अगर उसी घर में अगर एट से कि चार बच्चे हैं, अगर उसी घर में अगर चार बच्चे हैं तो एक खेत पे चार बंदों की, चार फैमिलीज की लाइवलीहुड चल रही है, तो नेचुरल सी बात है गरीबी तो अपने आप आएगी क्रॉनिक तरीके से। तो उसको हटाने के लोग क्या करते हैं कि चलिए मैं कोई और काम देखता हूँ। तो अगर वो अपने शहर से सबसे नियरेस्ट अपने गाँव से नियरेस्ट शहर में जाता है तब भी वो ट्रैवलिंग बनी, फिर उसने बोला कि जब यहाँ तक आगे थोड़ा और आगे चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा माइग्रेशन पैटर्न हमारे रूरल इंडिया से हमारे शहरों की तरफ रहता है, अर्बन सेंटर की तरफ रहता है, क्योंकि पीपल कम हेयर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगला क्या, प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शन लीडिंग टूवर्ड सेल्फ सिलेक्शन। जैसे कि मैंने बताया पहले क्या होता था, पंडित जी आते थे बहुत सारी फोटो लेके, फिर एक दिन किसी IT इंजीनियर को दिमाग में जीवन साथी डॉट कॉम खोल दिया, अब सारी फोटो उस पर हैं, OTP डालना पड़ता है, फेक अकाउंट्स भी है उसके अंदर, उसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं,
जीवन साथी, मैं बता रहा हूँ जीवन साथी डॉट कॉम का मतलब ये नहीं कि आपको सोलमेट ढूंढ कर देगा। जीवन साथी डॉट कॉम का मतलब ये है कि आप एक बार उस पर लॉग इन कर लो, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा वो, शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी। सर हैप्पी मैं भाई अभी डिवोर्स नहीं हो रहा मेरा चल रहा मतलब ये मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों का, उन्होंने करा था जीवन साथी डॉट कॉम पे, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बट आज भी उनका फोन आता सर जीवन साथी से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया ठीक है। तो ये क्या चीज़ है जो हम जो लर्निंग पहले था कि भैया कि हम सिलेक्शन जो है हम बच्चों पर भरोसा ना करें, खुद से सिलेक्ट किया करते थे, मतलब सो कॉल्ड अरेंज मैरिजेस, जो कि अब कहीं ना कहीं लव कम अरेंज या फिर लव मैरिजेस में मूव हो रही है। लव मैरिज का मतलब क्या है, दो इंडिविजुअल्स मिले आपस में, उन दोनों को अंडरस्टैंडिंग लगी एंड दे प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स कि यस वी आर रेडी टू गेट मैरिड। वो पूछ नहीं रहे, वो बता रहे हैं, डिस्क्लेमर है यहाँ पे ठीक है ना, डिस्क्लेमर है ठीक है। देन चेंज इन द एज ऑफ मैरिज, पहले 18 साल और 21 साल, अब जो है 21 और 21 साल ठीक है। अब मैरिज का जब एज चेंज होगा तो मोर मेच्योरिटी ठीक है, मोर मेच्योरिटी अपार्ट फ्रॉम ये एज जो है मुझे लगता है कि 27-28 एवरेज चल रही है इस टाइम पे शादी के लिए अर्बन एरियाज के अंदर, इससे पहले मुझे तो कोई शादी करता दिखता नहीं है। तो ये 7-8 साल के गैप में क्या होगा, करियर एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। जब करियर स्टेबल होगा तो शादी करने के लिए जो बेस्ट सूटेबल पार्टनर मिलेगा उसी से शादी करेगा या करेगी, पॉइंट कंपल्शन नहीं होगा। और जब बच्चे अपने खुद को सेल्फ क्या बोलेंगे, स्वाभिक क्या बोलेंगे, सेल्फ रिलायंट जब हो जाएंगे बच्चे, तो पेरेंट्स भी थोड़े से हो जाते हैं कि आराम से करेंगे शादी, तो उस प्रोसेस में दोनों काम से रिश्ते भी आते रहते हैं, घर वाले भेजते रहते हैं, खुद भी बंदा ढूंढता रहता है। और जहाँ पे बेस्ट सूटेबल पार्टनर मिलते हैं उनको उनके हिसाब से, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, तो वहाँ पे दे गेट मैरिड। तो यहाँ पे इसमें चेंजेस हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज लाइक डॉरी लगभग हमारे यहाँ बैन है। प्लस एक और चीज़ देखी गई, जब जब लड़कियों को सशक्त किया गया बाय एजुकेशन, उनके पास स्किल्स आई, स्किल आने के बाद क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और जब लड़की एक इक्विवेलेंट कमा रही लड़के के बराबर, तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डाउरी वाला जो पार्ट है या गिफ्ट वाला जो पार्ट है अपने आप पुश बैक हो जाता है। बहुत अब आप देखो कि जो डाउरी केसेस आते हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है कि रूरल एरियाज में ज्यादा है। अभी आपने देखा गाजियाबाद में एक कोई मुस्लिम शादी थी, उसमें लड़के ने शादी को बोला कि 10 लाख कैश एंड फॉर्चुनर चाहिए, तो लड़की वाले ने बहुत अच्छे से फॉर्चुनर दी थी उसको, वीडियो वायरल हुआ था ना। एंड दैट गाय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दैट गाय इज अ साइंटिस्ट इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल ही आस्किंग समथिंग लाइक दिस। पढ़ाई लिखाई भी बेकार नहीं, ये दो केस मैंने मिक्स कर दिए, एक था आपका हरियाणा का जिसमें साइंटिस्ट वाला, साइंटिस्ट ने फॉर्चुनर की डिमांड करी थी, गाजियाबाद वाले में उसकी पहले से 2-3 शादी हो रही थी, तो उसने बताई नहीं थी। हाँ, और ये यहीं पर हुआ है, ये हमारे प्लातगढ़ी वाले बैंक्वेट हॉल में हुआ है शायद, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद नहीं उसके पीछे एक और भी तो है वहां पे हुआ है। अब जो भी है ये यही का केस है हाँ, ये यही का केस है। आप खुद सोचो कि ये मतलब बताए नहीं कि 2-3 शादी हो रखी है, उसके बाद चौथी शादी करने भाई पहुंचा, उसके बाद भी हिम्मत देखो। हाँ कहा हूँ 3-4 दिन से आई नहीं, कहा मेरे मेरा निकाह है मैं तो। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में चेंजेस हैं, डाउरी जो है अब यहाँ पे जो है अगेन, जैसे डाउरी वॉलंटियर शुरू हुई थी, अब मैं देखता हूँ कई शादियों में डाउरी गिफ्ट के फॉर्मेट में वॉलंटियर फिर से हो चुकी है। कोवर्टली दी जाती है और कहीं ना कहीं ये डाउरी या फिर ये गिफ्ट सिस्टम जो है सोशल स्टेटस को भी डिनोट करता है, लाइक शादी में पनीर की सब्जी ना होना इज अ सोशल शेम। यस सर, शादी में पनीर की सब्जी नहीं थी यार, बताओ कोई बात है। तो ये सब चीजें क्या है, ये जब ये डिस्कशन हो रही है क्या है, कहाँ पे हो रहा है, ये किसी पार्लियामेंट में तो होगा नहीं ना, तो विद इन द लोकल सोशल सर्कल के अंदर होगा, तो बात घूम के पहुंचेगी कि ये जी पता है आपने वो नहीं रखवाया, देखो मुझे वहां से बात घूमने में आएगी, आपकी वजह से देखो मेरी बेइज्जती होगी, तो फिर क्या होगा, झगड़ा। तो झगड़े से बचने के लिए या फिर सोशल शेम से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई कि शादियों में जो है एक्सपेंडिचर लगातार राइज पे है। खैर ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो बिल्कुल शादी में एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, बैकआउट कर जाते हैं और बोलते हैं कि नो वी विल नॉट इन्वेस्ट इट, वी डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, क्यों वो भी क्यों है, एम्प्लॉयमेंट इज अ फैक्टर एंड एजुकेशन इज अ फैक्टर। कोर्ट मैरिजेस तो मैंडेटरी है ही है, मतलब आपको अपनी शादी रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही कराना है, शादी के 1 महीना 10 दिन। अब तो लेटेस्ट था कि अगर आपकी मैंने अभी देखा कि कोविड टाइम अगर शादी हुई तो लड़की मास्क पहन के फोटो खिंचाएंगे तभी वो शादी जो है रजिस्टर होगी, ऐसी एक खबर मेरे पास आई थी, मैं वाला बहुत बढ़िया, बाकी जनता के भी फोटो खींच लो जो आई है वहाँ पे ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डॉरी,
विच इज बैंड लीगली, विच इज बैंड, ठीक है। हम लोगों ने डॉरी की डॉरी डेथ बहुत सारी देखी है 70s 80s में, हम देखते हैं कि सिलेंडर फटना, किचन में आग लगना एक बहुत कॉमन सा, मतलब बर्निंग ब्राइड हम कहते हैं, बर्निंग ब्राइड जिसे हम बोलते थे, तो ये एक बड़ा कॉमन था हमारी सोसाइटी में, जो कि अब लगभग लगभग नेग्लिजिबल है। और अगर आप देखोगे जो जो डॉरी वाला सिस्टम है वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे या तो रिसोर्सेज की कमी है या पे एजुकेशन की कमी है इन द डाउनटाउन एरियाज बेसिकली। हम अर्बन एरियाज में मुझे बहुत कम ऐसे केसेस दिखते हैं कि डाउरी के चक्कर में या फिर गिफ्ट के चक्कर में कोई इस तरह की शादी ब्रेक हुई हो, ठीक है।